शब्बीर भाई। किसी काम से आया हूँ, मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली है कि सौदा की एक उंगली गायब हो गई है दोनों हाथों। ये भाई 50% डिस्काउंट पे बिरयानी मिल रही है, जो 300 रुपए में इतनी सारी बिरयानी मिली है, 7 दिन तक की ऑफर है। चलो 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 चलो। गाइस कैसे हैं आप लोग? वी होप डे सॉरी वेकेशन डे नंबर 5 में आप लोग लोग शाम भाई गणवन प्लान 24 घंटे का प्लान होता है, ये सुना था। आज हम लोग देख भी रहे हैं कि आज वेकेशंस के हमारे चल रहे हैं, लेकिन हमें स्कूल बुलाया गया है, कुछ फाइलिंग करनी है, कुछ फाइल डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर सबमिट करवाने हैं। भाई हमारी वेकेशन की ऑफ नहीं होती, हम लोग कभी भी जा सकते हैं, 24 आवर्स का हमारा काम होता है और हम ऑन कॉल होते हैं। तो अभी जा रहा हूँ स्कूल। भाई मैं तो पहुंच गया हूँ स्कूल और मुझे लगा ऐसा कि मैं लेट पहुँचूँगा, मुझसे पहले लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है। मैं सबसे पहले पहुँच चुका हूँ, मैडम ने कहा था कि जो सबसे पहले पहुंचेगा उसका काम सबसे पहले होगा, यानी कि मैं सबसे पहले फ्री हो जाऊँगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवाने में, इस वजह से मैं यहाँ पर बुलाया गया। दोबारा बता दूँ, हम लोग ऑन कॉल होते हैं, हम वेकेशन पर नहीं होते, हम 24 आवर्स के नुमाइंदे होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें कभी भी ऑन कॉल बुलाया जा सकता है। लास्ट ईयर जून मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था और मैं सेंसिस भी कर रहा था, तो सेंसिस से मुझे 17 जून को क्लियरिंग मिली थी, तो मैं 17 दिन तक ऑन ड्यूटी था। ये सब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेस कर रहा होता है, उनकी छुट्टियां नहीं होती। अब बेटा गवर्नमेंट में पता चलेगा। दोस्तों मेरे साथ कौन मौजूद है? शब्बीर भाई स्मार्ट है यार। इनको लोग कह रहे हैं कि भाई तुम खावर के लोग बड़े गाने वाने गा रहे हो, ये हेजिटेट हो रहे हैं यार। क्यों हेजिटेट हो रहे? जब निदा करो भाई, जिंदगी कितने दिनों की है, आप कितने दिनों की जिंदगी है? यार मैं नहीं कह सकता, एक बात है ना, कितने दिन कोई पता नहीं जिंदगी, बस ऐश करो, जो दिल करता है वो करो, वो करो। हाँ भेजा दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और जो कम थे, एक आज चीज कम थी तो सही, लेकिन वो एक्स्ट्रा कॉपी करवाने का कहे थे तो मैंने अपने पास से ले। मैं हूँ अकेले, अब हम भाई चाय, मैं फराज और सब लोग चाय पियेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके पढ़ाई करूँगा। फराज को तो दो, आप ले आओ चाय, जिसको पीनी होगी। काम से आया, मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली है कि सौदा की एक उंगली गायब हो गई है दोनों हाथों की। ओए होए, अब क्या करें भाई, चार चार उंगलियां हैं। अभी देखो आ जाएगी, हाँ मैं भी शू शू करूंगा, आ जाएगी। ओए कहाँ थी? अच्छा यूं छुपाई थी, बोमास। ये भाई 50% डिस्काउंट पे बिरयानी मिल रही है, लेकिन किलो लेनी है, नहीं बिरयानी तो शॉप खुली नहीं। ये 50% यानी कि 1 किलो पे 50% डिस्काउंट है, 300 रुपये किलो दे रहे हैं, 20 बिरयानी 400 रुपये किलो। सही मार्केटिंग का तरीका बॉस, अगर अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग करवा देते तो जायका थोड़ी पता चल रहा किसी को। अभी हम लोगों ने 150 रुपये यानी कि हाफ 50% पे जो सेल लगा रही है उसमें तो जायका भी बता रहे हैं। ये देखो बच्चा भी बिरयानी ला रहा है, तो ये अच्छा तरीका मार्केटिंग का, मुझे तो ऐसी बिरयानी खा रही थी तो सोचा उसी की ट्राई कर लो, करके करीब भी नसीब अच्छा था कि 5 मिनट के अंदर बिरयानी मिल गई, क्योंकि वो खत्म हो गई थी, तो किलो वाली एक थैली पड़ी थी मैंने रही। 300 रुपए में इतनी सारी बिरयानी मिली है, 7 दिन तक की ऑफर है, 7 दिन तक खा लो, डेली खा लो, क्या है? हाँ सौदा चलो भाई प्रेस करते हैं, कैसी है? चलो चलो चलो। ओ बिल्ली ओके गाइस, तो अभी हम हुए हैं थोड़ा बहुत फ्री और मैट्रिक सॉरी फर्स्ट ईयर का, आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उन्होंने जो मेहनत लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बाल खराब नहीं छोड़े उस चीज को।
वो भी मुझे कह रहा था बेटा सर आपको कुछ खाना है, कुछ मंगवाते हैं, पार्टी करते हैं सर, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसको उस पेपर का बहुत ज्यादा टेंशन था। मैंने बोला भाई दुआ में याद रखो, तुम मुझे फीस देते हो उस चीज की, बोला नहीं सर आपसे कुछ अलग किस्म के मालिश से हैं, तो आप कुछ खाओगे कुछ मंगवाते हैं। उसका दोस्त भी था उसके साथ, मेरा दूसरा स्टूडेंट कॉमर्स, बस मुझे सिर्फ उसे दुआएं दो और फीस पे कर देना। तो वो किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आई गई है हमारे पास हमारी डार्लिंग चाय अबीना। थैंक यू सो मच, आपने चाय भेजी मेरे को, हमें चाय की बड़ी तलब लगी थी। चाय पीते हैं, मैच भी देखेगा पाकिस्तान का, और दूसरे बच्चे को पढ़ाएंगे भी। कल मेरा पेपर है, कैसा जाएगा अल्लाह हमारी के देखेंगे बॉस। पाकिस्तान और यूएसए का मैच है आज, वो शुरू हो चुका है मैच, और पाकिस्तान यूएसए में पाकिस्तान यूएसए से किसी भी जगह पे जीत नहीं सकता। हम लोग हर जगह पे यूएसए से बहुत पीछे हैं, हार जाते हैं, तो ये बदला लेने का टाइम है। यूएसए को पछाड़ दो किसी चीज में तो आगे निकले हो भाई। तो आज उम्मीद है कि पाकिस्तान यूएसए को किसी ना किसी यानी क्रिकेट में पीछे छोड़ देगा। अभी पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है, यूएसए ने जो है वो चूज किया है। फील्ड में मैच देखने जा रहा हूँ, इनके अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, कोचिंग में बैठ के बच्चे मौजूद है, तो देखते कौन जीतता है, पाकिस्तान क्या यूएसए को क्रिकेट के मैदान में हरा सकता है। यूएसए ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और बॉलिंग करने के बाद विकेटें भी ले ली हैं, यानी कि हम किसी टीम के खिलाफ फील्ड चूज करते हैं तो सही पिटाई होती है हमारी, सही कुटाई होती है, यानी कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, हमने बॉलिंग चूज कर ली, वो कूद रहे हैं धो रहे हैं। लेकिन यूएसए जैसी छोटी टीम ने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ बॉलिंग चूज करके बाकायदा अपनी स्ट्रेटेजी पे अमल कर रहे हैं, और 14 पे तो खिलाड़ी आउट कर दी। 26वें दिन फॉर्मर रनर अप टीम, पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम से सामने 26-3 सुहाना। मेरे बेटे को पानी पीने, भाई मैं घर आ गया हूँ, और सौदा मुझे कुरान पढ़ते हुए पाएगी, अभी पानी पी रही है। आज ये जल्दी सोएगी है ना सौदा, कुरान पढ़ भी लिया माशाल्लाह, कुरान पढ़ के घर में बला नहीं आती ना।